हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी और हर चुनाव से ठीक पहले एक्टिव हो जाने वाली कांग्रेस अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों का इंतजार कर ही रही थी कि इन दोनों से एक कदम आगे निकलते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए केजरीवाल ने जिन 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद खास रहे हैं, लिहाजा इस लिस्ट पर बीजेपी और कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल 21 नवंबर को ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की, इंडिया की कोई जरूरत नहीं है और वो अकेले ही इस चुनावी समर में उतरने को तैयार है। केजरीवाल का दूसरा मैसेज बीजेपी के लिए है कि भले ही बीजेपी खुद को चुनाव जीतने की मशीन बताती हो, लेकिन बात दिल्ली की आएगी तो पहली चाल अरविंद केजरीवाल की ही होगी। और रही बात 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की, तो इन 11 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इतिहास में या तो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं या फिर कांग्रेस का। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही ध्यान रखा है और दोनों ही पार्टियों का हिस्सा रह चुके तीन तीन नेताओं को चुनाव में झाड़ू थमा दी है। बीजेपी का कमल छोड़कर केजरीवाल के झाड़ू के साथ आए ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ब्रह्म सिंह तंवर दक्षिणी दिल्ली और दिल्ली देहात में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा थे जो तीन तीन बार विधायक रहे थे, लेकिन केजरीवाल के साथ आने के बाद वो छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार बन गए हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके बीबी त्यागी को आपने लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो बीजेपी में रहते हुए लक्ष्मी नगर की सीट से ही चुनाव हार गए थे। अनिल झा बीजेपी के टिकट पर किराड़ी से दो बार के विधायक रहे हैं। इस बार उनकी सीट तो वही पुरानी है, लेकिन पार्टी नई है, आम आदमी पार्टी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी तीन कद्दावर नेता अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया है। इनमें पहला नाम है जुबेर चौधरी का, जो सीलमपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता मतीन चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने सीलमपुर से ही 5-5 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। कांग्रेस के ही नेता रह चुके सुमेर शौकीन दिल्ली देहात से दो बार के विधायक थे और अब वो झाड़ू के निशान पर मटियाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता रहे हैं वीर सिंह धिंगान, जो सीमापुरी से 3 बार विधायक रहे हैं और अब वो आप में शामिल होकर फिर से सीमापुरी से ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी तो अरविंद केजरीवाल ने 2020 में चुनाव हार चुके दीपक सिंगला को विश्वासनगर से, सरिता सिंह को रोहतास नगर से और राम सिंह उर्फ नेताजी को बदरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। घोंडा सीट से गौरव शर्मा और करावल नगर से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के नए उम्मीदवार हैं। बाकी तो ये पहली लिस्ट है आपकी, अभी 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो शायद 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने के बाद वो भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। तो नेताओं के ऐलान का इंतजार करिए और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।